खुले आसमान के नीचे आंखों में सपने लिए। ख्वाब था नाम कमाना, जालिम इश्क की लगी कुछ ऐसी लगी, गालिब इश्क के फसाने हर गली मोहल्ले में आम हो गए। तो आज के हमारे वीकेंड स्पेशल स्टोरी है इश्क हाई में, हम लेकर आए हैं रश्मि देसाई के इश्क के फसाने। सीरियल उतरन में रश्मि की मुलाकात हुई नंदीश संधु से, दोनों में प्यार हुआ, इकरार हुआ, खुल्लम खुल्ला दोनों ने दुनिया के सामने अपने इश्क का इजहार किया। मेरी खूबसूरत जल परी। और रिलेशनशिप के कुछ समय बाद ही दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली, पर मानो जैसे कि इनकी हस्ती खेलती दुनिया को किसी की बुरी नजर लग गई। दोनों के बीच दरार की खबरें आने लगी। अपने रिश्ते को सेकंड चांस देने के लिए इन्होंने नच बलिए में भी पार्टिसिपेट किया। नच का सफर हमारे लिए आई थिंक लाइफ लॉन्ग एक ऐसा जर्नी रहेगा जो हम लोग याद रखेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं अबाउट लाइफ, अबाउट अ रिलेशनशिप। और अगर सिर्फ हम दोनों को यहाँ पर बंद कर देते नच के घर में लाकर, तो हम लोग एक दूसरे के बारे में इतना कुछ नहीं सीख पाते जो हमने दूसरे कपल्स को देख के सीखा। पर वो कहते हैं ना, जब दिल राजी नहीं तो क्या चांस और क्या समझौता। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रश्मि ने अपने टूटी शादी के बारे में बात करते हुए बताया था, अगर नंदीश ने हमारे रिश्ते को बचाने की कोशिश की होती तो हमारे बीच कभी कुछ गलत नहीं होता। मुझे उसकी महिला दोस्तों से कोई दिक्कत नहीं थी और ना ही मैंने कभी उस पर शक नहीं किया। तलाक से पहले भी इन दोनों ने डांस रियलिटी शो नच बलिए में साथ हिस्सा लेकर रिश्ते को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ काम नहीं आ सका। वहीं कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रश्मि के मिसकैरेज के बाद से दोनों के बीच दरार आना शुरू हो गयी थी। कुछ वक्त बाद रश्मि की मुलाकात अरहान खान से हुई, नामी मॉडल और अपने करियर के शुरुआती दौर में थे अरहान। पब्लिक में कभी दोनों ने खुलकर कुछ नहीं कहा अपने रिश्ते को लेकर, और फिर हुआ बिग बॉस 13, जहां रश्मि एज अ कंटेस्टेंट बनकर नजर आई। फिर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर अरहान खान ने एंट्री ली, दोनों के बीच इश्क वाला लव देखने को मिला और फिर इनके लव का हुआ दी एंड। अरहान का पर्दा हुआ फाश। सलमान खान ने वीकेंड का वार एपिसोड में रश्मि के सामने अरहान की सारी सच्चाई बयां कर दी कि अरहान शादीशुदा है और उनका एक बच्चा भी है। इस बात से रश्मि का दिल फिर टूटा, फूट फूट कर रोई रश्मि। रश्मि को संभालने और उन्हें हौसला देने सलमान खान घर के अंदर आए। सलमान ने रश्मि और अरहान दोनों को समझाया कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं होती है। रश्मि ने अरहान को माफ किया और नेशनल टेलीविजन पर अरहान ने रश्मि को प्रपोज भी किया, पर जब अरहान घर से एलिमिनेट हुए तभी उनका रिश्ता भी खो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शो खत्म होने के बाद रश्मि को अरहान का फर्जी वाला मामला भी पता चला कि रश्मि के पैसों का गलत इस्तेमाल किया अरहान ने, उनके घर पर कब्जा और ना जाने क्या क्या बातें मीडिया में सामने आई। कुछ दिन बाद लाइव आकर रश्मि ने यह बयां किया कि उनका अब अरहान के साथ कोई रिश्ता नहीं है। बिग बॉस 13 के दौरान रश्मि की दोस्ती हुई आसिम से और आसिम के थ्रू उनके भाई उमर से, दोनों के बीच जबरदस्त दोस्ती देखने को मिली। फैंस ने इनकी जोड़ी का नाम उमरश रखा। रश्मि और उमर बिग बॉस 15 का हिस्सा बने, काफी नजदीकी और रोमांस देखने को मिला। फैंस को इनकी जोड़ी काफी पसंद भी आ रही थी। इनके लिंकअप की खबरें भी आने लगी। उमर हर टास्क के दौरान रश्मि को सपोर्ट करते और रश्मि उमर का ख्याल रखती। बस लगा कि दोनों इश्क का इजहार करेंगे, पर शायद शो में तड़का डालने के लिए अपनी क्यूट केमिस्ट्री दिखा रहे थे। शो खत्म होने के बाद दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, पर फैंस इन्हें साथ देखना चाहते हैं रियल लाइफ में, ना सही पर पर्दे पर तो इनकी जोड़ी कमाल है। तो कुछ ऐसा रहा रश्मि का इश्क का फसाना। क्या कहना है आपका हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट को लेकर, बताएं ये हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू डेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।